खरगोन शहर के बिस्टान रोड पीजी कॉलेज स्थित भारत माता सभागृह में शनिवार को अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के बैनर तले प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। आज के दौर में शिक्षा दोहरे स्तर पर पहुंच गई है, पहले आधुनिकता के चलते आसान और दूसरा प्रतिस्पर्धा बढ़ने से मुश्किल। इसलिए जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। किसी भी परीक्षा में असफल होने पर मायूस न हो, पढ़ाई कर परीक्षा में सफल होकर नौकरी पाना अंतिम लक्ष्य न रखें। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। बास्केटबॉल में एक खिलाड़ी ऐसा बना कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। उस कहानी में जो एक उसकी सफलता जब उसको एक एक मैच से 400 से 500 करोड़ मिले थे, 500 करोड़ रुपये हाईएस्ट क्रिकेट मैच में, तो हमारा अक्सर मीडिया ऐसा साधनता वो शिक्षा है। और अभी आज के जमाने में शिक्षा डबल रोड चल रही है। एक तरफ पढ़ाई करना बहुत आसान ही है, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक समय था जब पढ़ाई में उतने संसाधन, पढ़ने की बुक्स भी अच्छी नहीं होती थी, इंटरनेट का जमाना भी नहीं था, तो पढ़ाई करना मुश्किल ही था। अब तो तत्काल कोई बात होती है, गूगल महाराज तत्काल मोबाइल में ही प्रिंट हो जाता है, वो हर चीज़ काम से जुड़ के लाके दे देते हैं। तो एक तो बहुत आसान भी हो गया है, लेकिन आसान होने के साथ साथ में कुछ चीज़ों को बहुत मुश्किल कर दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार मेहनत करते हैं बच्चे लोग, तो कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं, और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं वो पढ़ने में कमजोर नहीं होते हैं, पर क्योंकि सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। एक तो मैं सभी बच्चों से एक कहना चाहूँगा कि हमारा पढ़ना केवल हमारा नौकरी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये हमारा पड़ाव है, हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। पढ़ने से हम लोग कुछ उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, पर उसका असली उद्देश्य पढ़ाई का अच्छा इंसान बनाना और हैप्पीनेस को मिलना है, स्वयं को भी और समाज को भी। ये चीजें आज के जमाने में बहुत इसलिए जरूरी है कि मैं देखता हूँ कुछ बच्चे हमारे होनहार बच्चे होते हैं, और किसी परीक्षा में वो असफल होते हैं तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। अभी कल परसों की घटना हमारे खरगोन में हुई है, एक होनहार का बच्चा, उसका नीट में सिलेक्शन करवा तो वो तलाक घोटने चला गया। ये जिंदगी बड़ी मुश्किल मिलती है, और उसको तो यूं ही नहीं खो देना है, संघर्ष में ही आनंद ढूंढना है। जिंदगी वैसे ही संघर्ष ही है, जन्म लिया है तब से मन का संघर्ष ही करना है, पर संघर्ष में आनंद कैसे ढूंढा जाए उसके लिए हमको मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता भी है। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं उनके लिए भी सिलेक्शन एक पड़ाव है। आज खरगोन जिले में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान समारोह अजाक्स की ओर से रखा गया है, जिसमें जो बच्चे नीट में भी क्वालिफाइड किए हैं उनका भी सम्मान किया जा रहा है। अजाक्स की तरफ से यह पहला प्रयास है, और आने वाले समय में भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, और जो भी बच्चे आज ये प्रतिभा में सम्मिलित हैं उनके उज्ज्वल भविष्य की अजाक्स परिवार मंगल कामनाएं करता है। मैं एसके अटोदे अजाक्स में जिला कोषाध्यक्ष पर, आज हमारे जिले की उन प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग का नाम रोशन किया है। आज हमारे बीच में खरगोन जिले से नेहा गंगरानी ने डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है और समाज का गौरव बढ़ाया है। इस प्रकार हमारे जिले के कम 20 अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं ने नीट को क्वालिफाई किया है, और भविष्य में वो डॉक्टर बनने वाले हैं।
हमारे 10वीं के जो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते थे बच्चे, जिनके माँ बाप नौकरी मजदूरी खेती गृहस्थी करते हैं, उनके बच्चों ने अपने जिले में परचम फैलाया है। हर तहसील से 8 बच्चों का हमने चयन किया है और इन बच्चों को आगे चल के अपने भविष्य की जो लक्ष्य है उनको हासिल करना है। और हम मध्य प्रदेश अजाक्स आदिवासी कर्मचारी संगठन यह मंगल कामना करते हैं कि बच्चे आगे बढ़े और इनका उज्जवल भविष्य हो, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बलिराम निगोले, अजाक्स जिला अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।